हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कोलकाता फेमस घुगनी रेसिपी। उसके लिए हमने 200 ग्राम मटर ली है। मटर को हमने ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था पानी में। अब पानी से हमने मटर को निकाल लिया है फ्रेंड। प्रेशर कुकर में डालकर हम 3 से 4 सीटी लगाकर हम इसे कुक कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड, हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम इसे 3 से 4 सीटी आने तक हम इन मटर को कुक कर लेंगे फ्रेंड्स। अब हम ड्राई मसाले लेंगे। हमने लिया है 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। अब हम इसमें हल्का सा पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मटर भी हमारी अच्छी तरीके से कुक हो गई है। आज हमने आलू लिए हैं फ्रेंड्स घुगनी में डालने के लिए। छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लेंगे। हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया है। और आलू को हम फ्रेंड उठा लेंगे और इसे हम वॉश कर लेंगे पानी से। अब हम प्याज को ये फ्रेंड बारीक चॉप कर लेंगे। और हमने 3 प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। 4 से 5 हमने लिए हैं हरी मिर्च, 10 हमने लिया है लहसुन की कलियां, और छोटा सा टुकड़ा लिया है हमने अदरक का। इन्हें हमने मिक्सर जार में डालकर इस तरीके से क्रश कर लिया है फ्रेंड। मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें 4 इलायची 4 लौंग को हमने क्रश कर लिया है, और 1 छोटा टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है। अब हम इसमें जो हमने बारीक चॉप कर लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे। और हमने लिया है एकदम फ्रेश नारियल, और प्याज और नारियल इन सारे चीज़ों को हम हल्का सा गोल्डन फ्राई होने तक इन्हें अच्छे से तरीके से भून लेंगे। अब हमने जो अदरक लहसुन हरी मिर्च जो रखा है वो भी इनसे ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसे भी हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर भी कुक हो चुके हैं। अब हमने जो ये मसाला बना के रखा है, मसालों को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी लेकर इसमें जितना एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो निकाल देंगे, और ये पानी भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, घुगनी बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।